गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में हम स्क्वायर रूट वैसे टर्म का फाइंड करना सीखेंगे जिसका पहले से हमें परिचय नहीं है कि वो कंप्लीट स्क्वायर रूट हो रहा है। जैसे टेबल याद किए थे, 2 से 20 के बीच जो 4 का स्क्वायर रूट 2 था और इस तरह से 9 का स्क्वायर रूट 3 था और 400 का स्क्वायर रूट 20 था और ये कंप्लीट स्क्वायर रूट होता था। लेकिन आज वैसे टर्म को डिवीजन मेथड से देखेंगे। पिछले दिनों भी कंप्लीट स्क्वायर रूट को डिवीजन मेथड से देखे थे, आज वैसे नंबर को देखेंगे जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल फॉर्म में आ रहा है और वो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं हो पाता है। तो रूल तो वही है, डिवीजन में राइट साइड से पेयर फॉर्म में लाते पड़ेंगे और लाने के बाद जो वो टर्म ऑड बन जाए तो पहले उसका वर्क इवन है तो ठीक है, उसी का वर्क पहले होगा। तो 12 है, यहाँ पर देखेंगे कि 3 से इसका डिवीजन 3 3 9 और इधर हम ऐड करते हैं 6 और एक पेयर टर्म को साइड में रखते हैं 1 5 और 6 के साथ क्या लिखा जाए कि 315 के लगभग इक्वल में आए। तो यहाँ पर 4 का कॉम्बिनेशन 4 4 16 और 6 4 24 और 1 25 2 5 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9 और 10 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 एक तरफ हम ऐड करेंगे 68 59 और ठीक इसके बगल में ये पेयर 04 रखेंगे 07 और ठीक इसी के बगल में 68 के बगल में क्या रखा जाए कि ये टर्म आगे बढ़े। तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखा जाता है तो ठीक इससे कंपेयर में हम ले लेते हैं कितना 6 8 8 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 304 है ना। अब ये टर्म 6 9 6 से भी छोटा होगा तो डेसिमल फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। एक डेसिमल डालते हैं और उसके बाद 00 यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद 5 तो यहाँ पर देखते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखेंगे 6 9 6 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से यहाँ पर 5 टाइम्स लिखे। फिर डेसिमल के बाद इसका कहीं और एंड नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर 6 या 7 टाइम्स वर्क हो और कहीं भी लगातार बढ़ते जाएंगे तो स्क्वायर रूट जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बनता हो उसका स्क्वायर रूट कभी भी डेसिमल एक्सपांसन में टर्मिनेट नहीं होता है, वो बढ़ते चला जाता है। तो वर्क के ख्याल से डेसिमल के बाद दो डिजिट तक हम स्टॉप कर देते हैं और उसी से हम वर्क आगे करते हैं। इस तरह से ये क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बन पाता है, जो और टर्म होते हैं उनका कंप्लीट स्क्वायर रूट
नहीं बनते हैं। इसलिए डेसिमल एक्सपांसन में डेसिमल के बाद दो ही डिजिट का यूज करके हम सॉल्यूशन में वर्क करते हैं। थैंक्स।